सचिव और कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने हाल ही में नामांकन भरा है रायबरेली से, और नामांकन भरने के बाद सीधा सीधा उन्होंने मोदी पर निशाना साध दिया है। पीएम मोदी पर उन्होंने निशाना तो साधा ही, इसके अलावा भाजपा को भी उन्होंने तमाम तरह की कुछ बातें कही हैं अपने रायबरेली में नामांकन भरने के बाद, जिसके बारे में आज मैं और श्रुति चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। आज हम आपसे बात करेंगे सोनिया गांधी के बारे में, उनके नामांकन के बारे में, और साथ ही बुरे तरीके से जो वो गरज पड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। आपको बताना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया है सोनिया गांधी ने, मोदी जी अजय नहीं है, हम उनको भी हरा देंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सोनिया गांधी द्वारा दिया गया है। तमाम वादे तो उन्होंने किए ही हैं, इसके अलावा रायबरेली के नामांकन भरने के बाद क्या कुछ बातें हुई हैं वो आपको श्रुति बताएगी। बिल्कुल अजय, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अगर हम सोनिया गांधी की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है रायबरेली की सीट के बारे में। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को पहले रायबरेली की सीट से थोड़ा रूबरू कराना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबको ये बात पता होगी, लेकिन कांग्रेस के अगर दो गढ़ माने जाते हैं, दो सीट मानी जाती है यूपी में, तो वो है अमेठी और रायबरेली। रायबरेली एक ऐसी सीट है जहां पिछले 4 लोकसभा चुनाव से सोनिया गांधी यहां पर जीतती हुई आई हैं। 2004 से लेकर 2014 तक यहां पर सोनिया गांधी ही सांसद बनती हुई आई हैं, तो इस सीट पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही परचम लहराता हुआ आया है। तो अगर इस सीट से सोनिया गांधी ये गरज कर कह भी रही हैं कि मोदी इस बार नहीं आएंगे, मोदी अजय हैं, तो उनका कहना गलत नहीं है, क्योंकि जिस साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव था तब मोदी की लहर चली हुई थी, लेकिन तब भी मोदी की लहर ने यूपी के इन दो सीट को नहीं हरा पाया। वहां पर मोदी इन दो सीट को जो है, अगर वो कहते कि हाँ हमारी मोदी लहर चल रही है, तो अगर वो ये बात कर रहे होते कि हाँ मतलब हम जो है जीत सकते हैं और वो जीते होते, वो बात अलग होती। स्मृति ईरानी अमेठी से खड़ी हुई, वो हार गई। सोनिया गांधी रायबरेली से एक बार फिर से जीत कर आ गई। तो ऐसे में सोनिया गांधी का ये कहना कि हम अजय हैं, और उनके रोड शो जो उन्होंने नामांकन भरने से पहले एक रोड शो किया, उस पर भी देखा गया कि भारी भरकम भीड़ वहां पे आई थी, और उसी से पता चलता है कि वहां के लोग कांग्रेस प्रत्याशियों को कितना मानते हैं। सिर्फ सोनिया गांधी ही क्यों, अगर हम पहले की भी बात करते हैं तो यहां से सिर्फ क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी जीती हैं यहां से राजीव गांधी खड़े हुए हैं। तो यहां पे कांग्रेस का गढ़ है ये, आप यहां पे अगर उनको हराने का भी सोचोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको वहां से कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आप वहां से हरा सकते हो। क्योंकि रायबरेली और अमेठी के लोग ये कहते हैं कि हम कांग्रेस से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि वो लोग हमारे दिल से जुड़े हुए हैं या हमारे लिए कुछ किया है, हम इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस हमेशा जब भी आती है तो काम करके जाती है, वो अपने सांसद से काम चाहते हैं, वो सिर्फ दिल से जुड़े हुए नहीं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर श्रुति का साफ साफ कहना यह है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है, मोदी जी अजय नहीं है, हम उनको भी हरा देंगे, ये बयान उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि उनको पता है कि जीत तो उनकी ही होनी है। जो जीत वो अब तक प्राप्त करती हुई आई हैं, जो सपोर्ट उनको अमेठी और रायबरेली से मिलता हुआ आ रहा है, जहां नामांकन भरने के बाद फिर से वो गर्जी हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, तो इससे ये साफ है कि वो अपनी जीत का झंडा लहरा चुकी हैं अभी से ही। और इसके अलावा जिस तरीके से जीतती हुई आ रही है कांग्रेस पार्टी रायबरेली में, तो इस बार भी कहीं ना कहीं सोनिया गांधी ही जीतेंगी। और इसके अलावा श्रुति, वो जो भड़की हैं इस बार प्रधानमंत्री मोदी पर, ये भड़कना पहली बार से थोड़ा सा काफी अलग लगा, काफी कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने जो बातें बोली हैं अपना नामांकन भरने के बाद, आखिर क्यों गर्जी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी पर? तो देखिए अजय, ये बात है कि सोनिया गांधी ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस से इसलिए भी कह सकती हैं क्योंकि देखिए दो बातें होती हैं कि जब हम अपने जगह पर होते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी पे गर्जी हो। इससे पहले भी सोनिया गांधी ने एक बार कहा था कि अभी हाल फिलहाल की ही बात है, उन्होंने कहा था कि मोदी के आने की वजह से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बट गए हैं, यहाँ पर वो राजनीति चल रही है जो हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसा सोनिया गांधी का कहना था। तो ये एक पहली बार नहीं है, हाँ थोड़ा ज्यादा उन्होंने बोला है क्योंकि उनसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछा गया था, उनसे पूछा गया कि इस प्राइम मिनिस्टर मोदी इनविंसिबल, क्या प्रधानमंत्री मोदी अजय हैं, जब कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर सोनिया गांधी का बिल्कुल सटीक जवाब था कि
कोई भी अजय नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को भी हम हरा सकते हैं। और उन्होंने एक और बात कही थी, आपको 2004 को याद करना चाहिए। 2004 में मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और उसके बाद वहां से सोनिया गांधी ने क्या कांग्रेस ने उनको हराया था। एक पूरा महागठबंधन बैठाया गया था जिससे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी उनको सत्ता से हटा दिया जाए और उसमें कांग्रेस कामयाब भी हुई थी। कुछ ऐसा ही दिख रहा था कि सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी ही हो रहा था। और थोड़ा बहुत 2004 और इस समय का जो सिनेरियो है वो लगभग सेम है, तो वो कहीं ना कहीं उनका वो कॉन्फिडेंस कि ऐसा पहले भी हो चुका है तो अभी भी हम करने में सक्षम है, वो अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस है उनका। और उनका ये भी कॉन्फिडेंस है कि हो सकता है कि इस बार कांग्रेस को इतने वोट्स मिल जाएं। और उसके बाद वो जो कोएलिशन है, देखिए कोई भी इस बार पूरे पूर्ण बहुमत से नहीं आने वाला है, ये बात हर सर्वे में साफ हो गई है कि चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, उनको एनडीए के अलावा किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। ऐसे ही कांग्रेस के साथ भी है। तो अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि कांग्रेस कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहे और हो सकता है एक बार फिर से काबिज हो जाए दिल्ली की सीट पे। बिल्कुल, यहाँ पर साफ साफ कहना ये है श्रुति का कि सोनिया गांधी से एक सवाल किया गया था जिसके सवाल का उन्होंने जवाब दिया। अब इस पर इतनी ज्यादा बातें क्यों बनाई जा रही हैं इस बात का तो पता नहीं, लेकिन बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। उन्होंने भले ही मोदी जी का नाम जरूर लिया हो, लेकिन ये तो दुनिया की रीत है कि जो आता है उसको जाना तो पड़ता ही है। लेकिन अब मोदी जी को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कांग्रेस ने साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ किया था। मोदी जी को कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी ताकि उनकी पार्टी शायद रायबरेली आ सके। वेल दोस्तों, आज हमने आपसे बात की सोनिया गांधी के बारे में, उनके नामांकन के बारे में, वो कैसे गर्जी हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, और रायबरेली के बारे में। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल SPN9 न्यूज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।